दोस्तों आज हम बात करेंगे साउथ चाइना सी की, जो 21st सेंचुरी में एक इम्पॉर्टेंट जोन ऑफ कंटेंशन बन गया है। वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में लोकेटेड इस एरिया में कई ऐसे आइलैंड्स हैं जिनके अराउंड लोकेटेड कंट्रीज जैसे चाइना, ब्रूनी, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम अपनी ओनरशिप का दावा करते रहे हैं। वर्ल्ड का करीब 1/3 या $3.37 trillion का ट्रेड और चाइना का करीब 80% एनर्जी इम्पोर्ट और 39.5% टोटल ट्रेड इस रीजन से पास होता है। इसी के साथ जियो स्ट्रेटजिकली ये रीजन इंडो पैसिफिक का पार्ट है, जो 21st सेंचुरी में सबसे क्रूशल जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और एरिना ऑफ ग्रेट पावर कॉम्पिटिशन बन चुका है। जहां एक तरफ चाइना अपना हेजिमेनिक स्टैंड कंटिन्यू करते हुए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को थ्रेटन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ US, जर्मनी, जापान ने अपना नेवल प्रेजेंस दिखाकर चाइना को काउंटर करने का प्रयास किया है। रिसेंटली इंडिया ने भी अपने 4 वॉरशिप्स रणविजय, शिवालिक, कदमट और कोरा इस रीजन में डिप्लॉय कर चाइना के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग पोस्चर अपनाया है। बढ़ते नेवल वॉरशिप्स के प्रेजेंस के चलते साउथ चाइना सी एक वॉर जोन में कन्वर्ट होता जा रहा है। आज के वीडियो के माध्यम से हम इस बात पर डिटेल में चर्चा करेंगे कि आखिर ये साउथ चाइना सी एक कॉन्फ्लिक्ट जोन क्यों है। इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि कैसे मेजर पावर्स ने इस रीजन में अपना मिलिट्री प्रेजेंस दिखाकर वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट किया है। चलिए सबसे पहले इस रीजन की ज्योग्राफी और उसकी इंपॉर्टेंस पर हम एक नज़र डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों साउथ चाइना सी वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, जो वर्ल्ड के बिजिएस्ट ट्रेड रूट स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए स्ट्रेट ऑफ ताइवान तक फैला है। चाइना के अलावा ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रूनी और इंडोनेशिया इसी से बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ कई इंपॉर्टेंट आइलैंड्स भी लोकेटेड हैं, जैसे पैरासल आइलैंड, स्प्रेटली आइलैंड, नेट्यूना आइलैंड, स्कारबोरो शोल एंड प्रतास। ये रीजन जियो स्ट्रेटजिकली और इकोनॉमिकली भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि स्ट्रेटजिकली साउथ चाइना सी इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, और क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट ट्रेड लिंक स्ट्रेट ऑफ मलक्का यहाँ से क्लोजली लोकेटेड है, रीजन का सिग्निफिकेंस और भी बढ़ जाता है। इस सी पर कंट्रोल कर चाइना ईजली स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर सकता है और वाइटल सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन को अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ला सकता है। अगर हम इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देखें तो UNCTAD के अनुसार 1/3 ग्लोबल ट्रेड इसी रीजन से पास होता है। इसके अलावा ये रीजन नेचुरल रिसोर्सेज जिससे ऑयल और नेचुरल गैस से भरपूर है। US एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के एस्टिमेट्स के अनुसार यहाँ करीब 11 बिलियन बैरल ऑयल और 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ये रीजन वर्ल्ड के फिश प्रोडक्शन में भी 10% कंट्रीब्यूट करता है और इसलिए फूड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सब के अलावा साउथ चाइना सी अपने बढ़ते सिग्निफिकेंस के कारण कई ओनरशिप डिस्प्यूट्स में भी उलझ गया है। चलिए अब हम एक नज़र साउथ चाइना सी के कॉन्फ्लिक्ट जोन्स और डिस्प्यूट्स पर भी डालते हैं। दोस्तों साउथ चाइना सी में चल रहे डिस्प्यूट्स का इतिहास World War II तक जाता है। मई 1939 को जापान ने पैरासल और स्प्रेटली आइलैंड्स पर अपना क्लेम किया। उन्होंने इन आइलैंड्स को अपने मिलिट्री पर्पसेस के लिए एक्सटेंसिवली यूज़ किया। हालांकि World War II में डिफीट के बाद उन्हें इन आइलैंड्स पर अपना कंट्रोल छोड़ना पड़ा। ऐसे में चाइना ने रीजन में घुसना शुरू किया। इनिशियली उन्होंने 1946 में स्प्रेटली आइलैंड्स पर कई कंस्ट्रक्शन किए और 1947 में पैरासल आइलैंड चेन के वुडी आइलैंड को कैप्चर कर अपना परमानेंट प्रेजेंस एस्टैब्लिश किया। इसके बाद उन्होंने वेगली यू शेप्ड 11 डैश लाइन ड्रॉ करके साउथ चाइना सी के ऑलमोस्ट एंटायर एरिया को अपना बताया। कुछ सालों बाद गल्फ ऑफ टोंकिन को इस एरिया से एक्सक्लूड कर 9 डैश लाइन का निर्माण किया, जो करीब 90% साउथ चाइना सी कवर करता है। और चाइना ने इसी 9 डैश लाइन का इस्तेमाल कर रीजन पर अपना हक जताया है, जिसकी लीगैलिटी को लेकर काफ़ी डिस्प्यूट्स हैं। खैर 1960s में ह्यूज ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व्स की डिस्कवरी के बाद सराउंडिंग कंट्रीज ने भी टेरिटोरियल क्लेम्स के दावे पेश करना शुरू किया। वियतनाम और फिलीपींस ने पैरासल और स्प्रेटली आइलैंड्स पर अपना हक जताया, जिसे चाइना ने स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया। फाइनली लॉन्ग स्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए 1982 में UN कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी, जिसको UNCLOs के नाम से भी जाना जाता है, कंक्लूड किया गया,
जो 1994 में फोर्स में आया। इस कन्वेंशन ने एक लीगल फ्रेमवर्क स्टैब्लिश किया जो कोस्टल स्टेट्स के इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को सीफेयरिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट के साथ बैलेंस करता है। UNCLOs के अनुसार कोस्टल नेशंस अपने कॉन्टिनेंटल शेल्फ से 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिवली मैरीन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इस रीजन को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, पर कोस्टल नेशंस ने क्लोज प्रॉक्सिमिटी के कारण सभी नेशंस के EEZ एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। इसी कारण कंपीटिंग टेरिटोरियल क्लेम्स ने इस रीजन में टेंशन्स को कम करने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ा दिया। ब्रॉडली देखा जाए तो यहाँ पर 3 आइलैंड्स डिस्प्यूटेड माने जाते हैं। पहला है पैरासल आइलैंड, जिसे चाइना, ताइवान और वियतनाम क्लेम करते हैं। दूसरा है स्प्रैटली आइलैंड, जिसे चाइना, ताइवान, वियतनाम, ब्रूनी और फिलीपींस क्लेम करते हैं। और तीसरा है स्कारबोरो शोल आइलैंड, जिसे चाइना, ताइवान और फिलीपींस ने क्लेम किया है। आसियान कंट्रीज ने इस इशू को पीसफुली रिजॉल्व करने के लिए 2002 में चाइना के साथ एक डिक्लेरेशन साइन किया। डिक्लेरेशन इसका नाम था डिक्लेरेशन ऑन द कंडक्ट ऑफ पार्टीज इन साउथ चाइना सी। इसने एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जिसकी मदद से चाइना और आसियान कंट्रीज टेरिटोरियल डिस्प्यूट हैंडल करेंगे। दोनों पार्टीज ने प्रॉमिस किया कि ऐसी कोई एक्टिविटी कैरी नहीं किया जाएगा जिससे पीस और स्टेबिलिटी थ्रेटन हो। लेकिन चाइना ने ठीक इसका ऑपोजिट करते हुए इस रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना शुरू किया। हेवन रीफ, जॉनसन साउथ रीफ और फायरी क्रॉस रीफ को आर्टिफिशियल आइलैंड्स के रूप में क्रिएट किया गया। उन्होंने पैरासल और स्प्रैटली आइलैंड में एयरस्ट्रिप स्टैब्लिश कर रीजन को मिलिटराइज भी किया। इसी बीच फिलीपींस ने 2013 में चाइना के अगेंस्ट परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में अपील किया। फिलीपींस ने आर्गू किया कि चाइना ने उनके EEZ में कंस्ट्रक्शन शुरू कर UNCLOs प्रोविजन को वायलेट किया है। चाइना ने जवाब में हिस्टोरिक 9-line को यूज कर पूरे साउथ चाइना सी पर अपने क्लेम को पुश किया, लेकिन कोर्ट ने रूल किया कि चाइना का 90% साउथ चाइना सी क्लेम इलिजिटिमेट है और उन्होंने फिलीपींस के EEZ में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर UNCLOs प्रोविजन को वायलेट किया है। हालांकि चाइना ने इस रूलिंग को कम्प्लीटली रिजेक्ट किया और कहा कि चाइना इस इशू को बायलेटरली डील करेगा। उन्होंने अपने हेजेमोनिक स्टैंड कंटिन्यू करते हुए मिलिट्री पोस्ट, रडार सिस्टम भी यहां पर इरेक्ट किए हैं। चाइना के इस बिहेवियर से कई मेजर पावर्स इंक्लूडिंग US और इंडिया को ये फियर है कि कहीं साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हैम्पर ना हो जाए। लेकिन दोस्तों, साउथ चाइना सी के नदन एज में लोकेटेड ताइवान को लेकर कॉन्फ्लिक्ट शायद साउथ चाइना सी में वॉर जोन जैसे माहौल का सबसे बड़ा कारण है। ताइवान एक आइलैंड कंट्री है जो मेनलैंड चाइना के साउथ ईस्ट में लोकेटेड है और ताइवान स्ट्रेट इसे चाइना से सेपरेट करता है। 1949 में कम्युनिस्ट चाइना के एस्टैब्लिशमेंट के पहले चियांग काई शेक के कोमिनटांग गवर्नमेंट ने पूरे चाइना पर अपना कब्जा जमाया, लेकिन 1949 में माओ ज़ेडोंग की कम्युनिस्ट आर्मी ने कोमिनटांग गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया और चियांग और उनके सपोर्टर्स ताइवान में माइग्रेट कर वहीं सेटल हो गए, खुद को एक सेपरेट नेशन और रियल चाइना डिक्लेयर किया। US के सपोर्ट के चलते ही कहीं ना कहीं बीजिंग ने ताइवान को तब से लेकर आज तक एनेक्स नहीं किया। खैर, अर्ली 1980s तक ताइवान एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंडर रहा, लेकिन 1987 में ऑथोरिटेरियन रूल हटाकर डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया गया। ताइवान में बढ़ते डेमोक्रेटाइजेशन के चलते चाइना ने वन कंट्री टू सिस्टम फार्मूला प्रपोज किया, जिसके तहत ताइवान को सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी दी जाएगी, पर उन्हें बदले में चाइना के साथ रीयूनिफाई होना होगा। लेकिन ताइवानीज गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया और अपने आप को कम्युनिस्ट चाइना से डिस्टिंक्ट बताया। चाइना ने 2004 में रिटेलिएट करते हुए एंटी सेसेशन लॉ पास किया, जिसके तहत चाइना नॉन पीसफुल मींस या फोर्स यूज करेगा अगर ताइवान ने सीसीड या सेपरेट होने का प्रयास किया। कुछ साल सिचुएशन नॉर्मलाइज होने के बाद 2016 में करंट प्रेसिडेंट साई इंग वेन ने पावर में आते ही वन चाइना पॉलिसी को अपोज कर चाइना को फिर से एंटेगोनाइज किया। US ने मौके का फायदा उठाकर ताइवान को अपने साइड जोगाने का प्रयास किया और हाईएस्ट लेवल स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल को ताइवान विजिट के लिए भेजा, जो 1979 के बाद पहली बार हुआ। चाइना ने इस विजिट को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया और विजिट के दौरान लाइव फायर मिलिट्री एक्सरसाइजेस ताइवान स्ट्रेट में कंडक्ट किए। चाइना ने इंटरनेशनल कंपनीज को फोर्स किया कि वो अपने वेबसाइट में ताइवान को चाइना का पार्ट दिखाएं। रिसेंटली चाइनीज वॉरप्लेन शांगशी Y-8 ने भी ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में एंटर किया था। वहीं मई 2021 को भी करीब 29 चाइनीज प्लेन्स ताइवानीज एयर स्पेस में एंटर करते हुए पाए गए थे। ये चाइना के बॉर्डर इंटिमिडेशन टैक्टिक्स का ही एक हिस्सा है। US ने ताइवान को सपोर्ट करते हुए वेपन्स,
आर्टिलरी रडार सिस्टम सप्लाई किए और साउथ चाइना सी में अपना नेवल प्रेजेंस बढ़ाकर चाइना को काउंटर करने के प्रयास भी किया है। आज इस रीजन में कई नेशंस अपनी नेवल प्रेजेंस बढ़ाते हुए नजर आते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कौन कौन से देश यहाँ पर अपनी प्रेजेंस इंक्रीज कर चाइना को स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश में है और कैसे। इसमें लीड रोल लिया है यूएसए ने। यूएसए के लिए यह रीजन काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे साउथ चाइना सी एक वाइटल ट्रेड रूट है जो अमेरिकन कंपनीज फ्रिक्वेंटली यूज करती हैं। यदि रीजन चाइना के कंट्रोल में आता है तो कमर्शियल वेसल्स ईस्ट इंडिया तक पहुंच नहीं पाएंगी, जिसका सीधा इम्पैक्ट यूएस की इकोनॉमी पर पड़ेगा। इसी के साथ साउथ चाइना सी के तहत यूएस अपने बॉर्डर इंडो पैसिफिक पॉलिसी को और मजबूत कर सकता है। साथ में यूएस ने जापान, साउथ कोरिया और फिलीपींस के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स भी साइन किए हैं जो उन्हें ऑब्लिगेट करते हैं कि वो इन कंट्रीज को प्रोटेक्ट करें। उन्होंने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस को यूज कर रीजन में नेवी डिप्लॉय किया है। रिसेंटली यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन गाइडेड मिसाइल क्रूजर यूएसएस शिलो और मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस हेल्सी ने भी साउथ चाइना सी में एंटर किया है। वहीं फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के साथ ज्वाइंट मिलिट्री पेट्रोल्स कंडक्ट किए हैं और आसियान के मिलिट्री कैपेबिलिटीज को इन्हांस करने के लिए उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है। यूएस के अलाई यूरोपियन यूनियन ने भी रिसेंटली अपना वॉरशिप्स इस रीजन में भेजा है। जर्मनी, जिसने अपने ट्रेड कंसर्न्स के चलते एक न्यूट्रल स्टैंड लिया था, 2002 के बाद पहली बार अपना वॉरशिप इस रीजन में भेजा है। वहीं फ्रांस ने अपना एम्फीबियस असॉल्ट शिप टॉनियर और फ्रिगेट सरकोफ साउथ चाइना सी में डिप्लॉय कर अपना नेवल प्रेजेंस दिखाया है। इसके अलावा न्यूक्लियर सबमरीन एमिरॉड को भेजकर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पॉलिसी को प्रोटेक्ट किया है। इसी के साथ यूके ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ को डिप्लॉय कर एग्रेसिव चाइनीज स्टैंड को काउंटर करने की कोशिश की है। तीनों कंट्रीज ने सितंबर 2020 को यूएन में ज्वाइंट नोट सबमिट करते हुए चाइना के बेसलेस साउथ चाइना सी क्लेम को रिजेक्ट भी किया है। ये दिखाता है कि यूरोपियन नेशंस ने भी धीरे धीरे चाइना के अगेंस्ट यूनाइटेड स्टैंड और इंडो पैसिफिक में अपना प्रेजेंस दिखाना शुरू किया है। वहीं जापान ने भी रिसेंटली मिसाइल डिस्ट्रॉयर जेएस सुजुत्सुकी को इस रीजन में डिप्लॉय किया है। जापान ने चाइना के 9-line क्लेम को रिजेक्ट किया और साउथ ईस्ट कंट्रीज के साथ डीपर सिक्योरिटी टाइज स्टैब्लिश किए हैं। फिलीपींस को कोस्ट गार्ड वेसल्स और रडार सिस्टम सप्लाई वियतनाम के साथ ऑफशोर एनर्जी प्रोजेक्ट्स कंडक्ट कर डीपर एंगेजमेंट शुरू किए हैं। आपको बता दें कि जापान का यह एग्रेसिव स्टैंड उनके चाइना के साथ सेनाकू आइलैंड डिस्प्यूट के कारण दिखाई देने लगा है। इसके अलावा जापान ने अपने ताइवान स्टैंड में भी सिग्निफिकेंट शिफ्ट दिखाया है। जहां अब तक उन्होंने न्यूट्रल पोस्चर मेंटेन किया था, रिसेंटली टॉप जापानीज ऑफिशियल्स ने डिक्लेयर किया कि अगर चाइना ताइवान को अटैक करता है तो यूएस जापान उन्हें डिफेंड करेंगे। उन्होंने फर्म प्रो ताइवान स्टैंड लेते हुए रिसेंटली अपने एनुअल डिफेंस रिपोर्ट में ताइवानी स्टेबिलिटी का इम्पोर्टेंस पहली बार ऑफिशियली मेंशन किया। अपने 2021 वाइट पेपर में भी चाइना ने ताइवान को चाइना से अलग दिखाकर भी अपनी चेंजिंग ताइवान पॉलिसी की तरफ इशारा किया है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उन्होंने रीजन में कई एयरबॉर्न सर्विलेंस ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं। ऑपरेशन गेटवे के तहत उन्होंने P3 ओरियन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट को यूज कर कॉन्स्टेंट एयर पेट्रोलिंग कंडक्ट किया है। फाइनली इंडिया ने भी इस डिस्प्यूट में प्रोएक्टिव स्टैंड लेना शुरू किया है। जहां अब तक हमने न्यूट्रल स्टैंड लेते हुए अपना फर्म ऑफिशियल पोजीशन नहीं लिया, वहीं आज बढ़ते लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के चलते इंडिया ने साउथ चाइना सी में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दिखाना शुरू किया है। भारत के ONGC विदेश लिमिटेड ने वियतनाम के EEZ में ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट कंटिन्यू किया है, जिसे चाइना ने अपोज किया है। यहां पर हमने अपना नेवी भी डिप्लॉय किया है जो हमारे सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करेगा। इसके अलावा कई मैरीटाइम एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट किए जा रहे हैं, जैसे सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स, थाईलैंड के साथ कॉरपैट, इंडोनेशिया के साथ समुद्र शक्ति, वियतनाम के साथ पैसेज एक्सरसाइजेस और यूएस जापान के साथ मालाबार एक्सरसाइज। लास्टली यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच क्वाड इनिशिएटिव का एस्टैब्लिशमेंट ब्रॉडर चाइना कंटेनमेंट स्ट्रेटजी का ही एक हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी साउथ चाइना सी में बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन्स के कारणों की। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है? इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स के अलावा साउथ चाइना सी और कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है इंडिया और बाकी की दुनिया के लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।